भारतीय जनता पार्टी में यदि एक ऐसे राष्ट्रवादी व्यक्ति को पहचानना हो जो मार्क्सवादी भी हो, तो इस चेहरे को याद रखिए। भाजपा के प्रवक्ता हृदय नारायण दीक्षित को देश के शिखरस्थ स्तंभ लेखकों में गिना जाता है। भिन्न भिन्न महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं में 4000 से अधिक लेख लिख चुके दीक्षित जी की प्रकाशित अनेक पुस्तकों में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर मार्क्सवादी दृष्टिकोण देखने को मिलते हैं। यह आश्चर्यजनक सत्य है कि दो वैचारिक धुओं संघ और साम्यवाद को एक साथ दीक्षित जी ने इस्तेमाल किया, वह भी तथ्यात्मक ढंग से। अनेक बार विधायक और मंत्री रह चुके हृदय नारायण दीक्षित ने गवईपन, सहृदयता व सहजता से कभी रिश्ता नहीं तोड़ा और लगातार सर्वहारा समुदाय की परेशानियों को अपनी परेशानी समझते रहे। हाशिए के आम आदमी की तकलीफों को दीक्षित जी ने अपने लेखों के माध्यम से भी लगातार व्यक्त किया। आइए आईटीवी की खास मुलाकात में मिलते हैं प्रख्यात विचारक हृदय नारायण दीक्षित से, जिनको इनके कुछ पत्रकार मित्र प्रमोदवश दक्षिणपंथी कम्युनिस्ट भी कहते हैं। दीक्षित जी, आपका आईटीवी में स्वागत है। सबसे पहले ये बताएं कि बड़ी जगह पहुंचकर इतनी सहजता कैसे हासिल की जाती है, जैसी आप में? व्यक्ति को जैसा वो है वैसा ही रहना चाहिए, ऐसी अनुभूति हमको प्रारंभ से है और अब हम जब 60 के हो गए हैं तो और गहराई है। कब लिखने पढ़ने में आपकी रुचि हुई? शुरुआती दौर में पढ़ाई लिखाई के दौरान ही या पारिवारिक पृष्ठभूमि के चलते? हमारे गांव में हम पहले कक्षा 5 हैं, पहले कक्षा 3 हैं, पहले कक्षा 8 हैं। न तो सामाजिक वातावरण मिला और न वंशानुक्रम, न पिता पढ़े, न बाबा पढ़े, न दादा पढ़े, न काका पढ़े, न मामा पढ़े, न नाना पढ़े। कोई भी व्यक्ति, एक भी व्यक्ति ठीक से साक्षर नहीं रहा ना है कि जैसे सृष्टि की रचना के बारे में ऋग्वेद में एक बात आई है कि पहले वो अव्यक्त था, वो कहीं परमात्मा शब्द नहीं आया ना ईश्वर आया, कि वो अव्यक्त था, उसके मन में बीजवत कामना आई व्यक्त होने की और व्यक्त हो गया। तो सृष्टि जैसे भी बनी हो, जिस पदार्थ से बनी हो, वो पदार्थ व्यक्त होना चाहता था और उसी पदार्थ के हिस्से हम हैं, तो हम भी व्यक्त होना चाहते हैं। और हो सकता है कि व्यक्ति व्यक्त होने के कारण ही व्यक्ति हो। क्या बात, हम सब अपने को व्यक्त कर रहे हैं। दीक्षित जी, कि आप संघ से कैसे जुड़े और सक्रिय राजनीति में आने तक का सफर कैसा रहा? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हम बाद में जुड़े और कमज़ोर वर्गों में, खासतौर से अपने ही घर पर, हमारे पिताजी पलंग पर बैठे हैं और हमारे यहाँ का चमार और पास ही जमीन में बैठा, ऐसा हमारी बहस हमारे पिता से 11-12 साल में ही हो गई थी। मुझे नहीं मालूम मेरे मन में ये बात कहाँ से आई, आज भी नहीं मालूम। मैंने इस समय जब हम परिपक्व अपने को मान रहे हैं, तो हमने ये खोजने का प्रयास किया कि आखिर क्यों उसके पक्ष में हम अपने पिता से लड़ गए। और हम डांट भी खाए तो हमारी बचपन में बहस गाँव में सवर्ण जातियों के दरवाजे बैठते समय कोई जमीन में बैठता था तो बहस होती थी, और ये बहस बढ़ते बढ़ते तब तक चली जब तक हम अपने क्षेत्र के ताकतवर नेता नहीं हो गए, तब तक चली। पढ़ते समय यही बातें किया करता था अछूतों की। क्यों करता था मुझे नहीं मालूम, क्यों किसी भी राजनीतिक संगठन से, किसी भी सामाजिक संगठन से, किसी भी संगठन से, किसी भी स्तर पर हमारा कोई संबंध संपर्क नहीं था। हमारे साथ पढ़ने वाले लड़कों में से ही एक ने कहा कि संघ के जिला प्रचारक जी ने बुलाया है। उन्होंने पूछा संघ क्या होता है, तो उसने बैठ के थोड़ा बताने का प्रयास किया। हमने पूछा वहाँ कोई दलितों के बारे में, अनुसूचित जातियों के बारे में बातें होती? तो उन्होंने कहा हाँ होती, उनको सबको एक करना। तो इस लोभ में वहाँ गए, उन्होंने कुछ किताबें दी और मुझे याद आता है कि वो दीनदयाल उपाध्याय जी की कोई किताब थी, एक आध उस किताब को पढ़ा और धीरे धीरे वहाँ आना जाना बढ़ा। इस तरह हम संघ के कार्यकर्ता बने, फिर लगातार काम करते रहे वहाँ। तो संघ के उन दिनों के हमारे वरिष्ठ जन हमको अक्सर कहा करते थे तुम नेता ज़्यादा हो, संघ के कार्यकर्ता कम हो। तो हम जनसंघ के फिर भिन्न भिन्न पदों पर काम करते रहे, फिर आपातकाल आया तो आपातकाल में आंदोलन करते हुए जेल रहे पौने 2 साल, उसके बाद छूटे, जनता पार्टी बन गई। और एक बात हम आज तक नहीं जान पाए जो हम पूरे अंडरलाइन करके कहना चाहते हैं, क्योंकि राजनीति में भिन्न भिन्न पदों पर रहे हम, भारतीय जनसंघ की ब्लॉक कमेटी में रहे, तो ब्लॉक स्तर पर पंचायती राज प्रणाली में क्षेत्र पंचायत सदस्य होता, हम क्षेत्र पंचायत सदस्य भी रहे। तो ब्लॉक स्तर पर उप ब्लॉक प्रमुख होता है, हम उप ब्लॉक प्रमुख रहे। ब्लॉक से जीत कर व्यक्ति जिला परिषद में जाता है, हम जिला परिषद में पहुंचे। अपनी पार्टी में ब्लॉक के पदाधिकारी रहे, फिर जिले के पदाधिकारी रहे। छोटे छोटे सभी पदों में, चुनाव वाले पदों में, संगठन वाले पदों में काम करते हुए मैं ये आज तक नहीं जान पाया कि पॉलिटिकल पार्टीज के हाई कमान अपने अच्छे कार्यकर्ता को पद कैसे देते हैं। ये मेरे लिए शोध का विषय भी है, या कि अपने निजी संपर्कों में देते हैं, या बहुत उसको अपना पिछलग्गू बनाकर देते हैं, या
बहुत अपना कार्बन कॉपी होती है तो देते हैं, मुझे आज तक जानकारी नहीं, और मैं इसके खोज में भी रहा, और इसीलिए ये मानना हमारा है कि देश की पूरी राजनीति हाईकमान, इनकी संख्या 50-60 ज्यादा नहीं, यही 50-60 लोग पूरे देश की राजनीति तय करते हैं। तो क्या भाजपा से नाराज हैं दलगत राजनीति को लेकर? नहीं, हम केवल भाजपा नहीं, पूरे चूंकि हम राजनीतिक क्षेत्र में पूरा समय देकर काम किए हैं, हमने घर का कोई काम नहीं किया। अगर हमारा कोई काम हो सकता है तो ये कि हम किताबें लिखते रहे, यही हमारा एक निजी काम। हमने कक्षा 10-11 की उम्र में, मेरी शादी हुई तो मैं ससुराल नहीं गया, मेरे गांव से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर मेरे मामा का गांव है, मैं दोबारा वहां नहीं गया। एक बार माँ के साथ कभी गया था, स्मरण नहीं आता। मैं किसी रिश्तेदार के यहाँ नहीं गया, मंत्री होने पर कोई रिश्तेदार मेरे कक्ष में नहीं घुसा। इतना गहन समय देने के बावजूद और खुली आंखों से हमने राजनीति देखी, तो मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक दलों के माध्यम से इस देश में कोई सामाजिक पुनर्गठन का काम, सामाजिक परिवर्तन का काम, राष्ट्र की एकता का काम, राष्ट्र के पुनर्निर्माण का काम हो सकता है। जी दीक्षित जी, मैं आपकी दूसरी निर्मिति पे बात करूंगा कि आप आरएसएस के या कहिए भाजपा से जुड़े हुए हैं, फिर उसके बावजूद आपके लेखन में पूरी की पूरी तरह साम्यवादी दर्शन स्थित है। हमारा प्रत्येक, पूरे समाज के प्रत्येक व्यक्ति के बारे में एक मानना है, एक निष्पत्ति है, हमारा निष्कर्ष है अब तक का, और मैं नहीं मानता कि मेरे निष्कर्ष ठीक हैं, क्योंकि मैं अपने को विद्यार्थी मानता हूँ। मेरा निष्कर्ष है कि प्रत्येक व्यक्ति अच्छा वही होता है जो संवेदनशील होता है। पढ़ा लिखा होना, ईमानदार होना, ये सब सापेक्ष गुण है, लेकिन संवेदनशीलता अपने आप में सबसे बड़ा गुण मैं बचपन से ही मानता हूँ, और कोई भी संवेदनशील व्यक्ति साम्यवादी हुए बिना बच नहीं सकता। अगर वो संवेदनशील है तो साम्यवादी होगा, साम्यवादी होगा, किसी का दुख देखेगा, प्रीति पैदा होगी, किसी को कष्ट में देखेगा, वेदना पैदा होगी। संवेदनशीलता से ही हम समझते हैं काव्य का जन्म हुआ है, सृजना है पूरी पूरी सृष्टि की। जैसे आपने पुट तो दिया भारतीय दर्शन से, लेकिन अधिकांशतः आपके वाक्य संयोजन की प्रणाली पश्चिमी रही, और विशेष करके आपने उन सिद्धांतों को ज्यादा संप्रेषित किया जो मार्क्स ने प्रेषित किया है। जिस तरीके को मार्क्स ने अपनाया, ठीक उसी तरह से आप प्रेक्षण रखते हैं अपने वाक्यों का। आरएसएस और मार्क्सवाद, ये दोनों को लेकर साथ साथ चलने की एक कैसे प्रक्रिया शुरू हुई? नहीं, हमको तो जो ठीक लगा उस ढंग से चले, क्योंकि हमारा कोई संरक्षक, कोई मार्गदर्शक और राजनीति में भी कोई हमारा गॉडफादर नहीं रहा। मार्क्स का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा ऐसा नहीं, लेकिन मार्क्स का भौतिक जगत को विश्लेषण करने का तरीका निश्चित रूप से हमको सम्मोहित करता है। भौतिक जगत को विश्लेषण करने का तरीका, उनकी राजनीति नहीं। हमारे भारतीय मनीषियों ने भी भौतिक जगत को विश्लेषित किया है, यूरोपीय विचारकों ने, यूरोपीय विद्वानों ने हमारे भारतीय दर्शन पर, भारतीय संस्कृति पर, भारतीय परंपरा पर आरोप लगाए हैं कि हम भौतिक कम हैं, मेटाफिजिकल ज़्यादा हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर सबसे बड़ा दर्शन कोई है यहाँ तो योग है, और योग शरीर को ठीक करने पर जोर देता है, मन को ठीक करने पर जोर देता है, ये सब भौतिकत्व है। जो हमारा पुरातन पंथी दृष्टिकोण है, जो निंदा का विषय है, वो भी बताता है कि अगर स्वर्ग में भी जाओगे तो वहाँ भी सोने चांदी मिलेगा, माल मिलेगा, तो है तो पूरा पूरा भौतिक। अगर ठीक से विश्लेषित किया जाए तो ऐसा नहीं लगता कि हमारे भारत की पूंजी कम है। भारत के दर्शन को, भारत की प्रज्ञा को, भारत की मनीषा को, भारत के तत्व ज्ञान को नए सिरे से, नए सुरों में, नए ढंग से गाए जाने की आवश्यकता है, तो हमको लगता है लोगों को पता लग जाता है। कहा जाता है कि वैचारिक विचलन या कहा जाए दर्शन के विचलन से आदमी बहुत नुकसान उठा बैठता है, और आप ये दो दो नाव पर एक साथ चलने का हुनर कैसे सीखे ये बताइए, दो दो दर्शन को एक साथ कैसे आपने विकसित किया? आपके प्रश्न में दो शब्द आए हैं बड़े प्यारे, एक वैचारिक और एक दर्शन। विचार हमेशा एक पक्ष होता है और दर्शन हमेशा समग्र होता है, और मार्क्सवाद एक विचार है, विचार है। मार्क्स ने स्वयं ही कहा कि द्वंद्व से चीजें बनती हैं, और हमारे देश में तीन शब्द बड़े आसपास के हैं, जैसे हम यहाँ से निकलें और आपसे भेंट करनी हो तो अपने हम परिवार के सदस्य को बताकर जाएंगे कि हम उमा शंकर जी से मिलने जा रहे हैं, लेकिन अगर कोई स्वामी जी आए हो वाराणसी के तो हम कहेंगे उनके दर्शन करने जा रहे हैं। बाजार जा रहे हैं तो कुछ खरीदने जा रहे हैं, मेला जा रहे हैं तो देखने जा रहे हैं। तो बाजार खरीदने बेचने की जगह है, मेला देखने की बहुत भीड़ इकट्ठा है, लेकिन स्वामी जी से जाएंगे तो मिलने नहीं जाते, कहते हैं दर्शन करने जा रहे हैं। दर्शन के माने कि जो प्रत्यक्ष देखेंगे, ऐसे विश्वनाथ मंदिर जा रहे हैं तो कहते हैं दर्शन करने जा रहे हैं, तो अगर देखने जाएंगे तो वहाँ पर पत्थर की मूर्ति मिलेगी, दर्शन करने जाएंगे तो वहाँ उसके अनंत पार क्या क्या है उसका प्रयास करेंगे, मूर्ति के पीछे क्या है, जो तत्व है उसके पीछे और क्या उसके आगे और क्या उसके आगे और क्या उसके आगे और क्या।
तो उपलब्ध ज्ञान से, अनुमान से, तर्क से, प्रतर्क से अज्ञात की यात्रा दर्शन है। और दर्शन इसीलिए कभी अंतिम नहीं होता, और विचार प्रणाली प्रायः अंतिम होती है, और जब उनके चेले चपाटे बैठते हैं तो उसमें कुछ संशोधन करते हैं, गलती निकालते हैं, जैसे मार्क्सवाद में तमाम गलतियां निकलती हैं, और जो कट्टरपंथी मार्क्सवादी हैं वो उसको संप्रदाय की तरह इस्तेमाल करते हैं। और लेकिन मार्क्सवाद एक विचार है, विचार है, और दर्शन विचार नहीं। तो भारतीय दर्शन में तो सत्य की यात्रा है, सत्य की खोज है, और कोई भी नहीं कह सकता कि उसे सत्य मिला। जी, दर्शन की बात हो रही है, भारतीय जनता पार्टी का अपना दर्शन क्या है, थोड़ा बताएं आप, पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। भारतीय जनता पार्टी का गठन भारतीय जनसंघ के विचार का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी असीम बनी, जनता पार्टी में दोहरी सदस्यता का आरोप लगा था। हम लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी थे और जनता पार्टी में भी। उन लोगों ने कहा कि आप दो दो में बरसिप रखते हो। हालांकि कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता अच्छा अपने गांव में, अपने क्षेत्र में किसी अन्य संगठन का भी सदस्य होता, सामाजिक संगठन का होता, सांस्कृतिक का होता, साहित्यिक का होता, ऐसा आरोप लगा। ये लोग, हम लोग अलग हो गए और भारतीय जनता पार्टी के रूप में आए। भारतीय जनसंघ के समय से ही भारतीय जनता पार्टी का मानना रहा है कि राष्ट्र, भूमि, जनता और राज्य व्यवस्था का योग नहीं होते। हम लोग मानते हैं, हम लोग भी और हम भी व्यक्तिगत रूप से भी, कि राष्ट्र संस्कृति से बनते हैं, संस्कृति से प्राणवान होते हैं। संस्कृति का क्षरण होता है तो राष्ट्र के जीवन मूल्यों में क्षरण होता है। संस्कृति जितनी उदात्त होती है राष्ट्र जीवन उतना उदात्त होता है। संस्कृति ही राष्ट्र का प्राणधारक तत्व है। संस्कृति के कारण ही दुनिया में हमारे देश को सार्वभौम महत्ता पहले मिली थी। संस्कृति का क्षरण हुआ, इसी वजह से हमारी कहीं ना कहीं कोई त्रुटि गड़बड़ी है। तो भारतीय जनता पार्टी मानती है कि यह देश सांस्कृतिक राष्ट्रभाव के कारण समुन्नत हो सकता है, और बाकी के दल जैसे मार्क्सवादी मित्र हैं हमारे इस देश के राजनीतिक, मैं मार्क्सवादी जब शब्द कहता हूँ तो जो विचार मानते हैं उनको नहीं, जो राजनीति करते हैं उनको, क्योंकि हमारे यहाँ भी तो बहुत लोग राष्ट्रभाव मानते हैं लेकिन हमारी पार्टी में नहीं है, हमारे दल में नहीं काम करते। ऐसे ही बहुत लोग मार्क्सवाद मानते हैं लेकिन मार्क्सवादी पार्टी में काम नहीं करते। मार्क्सवादी दल भारत के प्रति वैसा प्रीतिभाव, वैसा श्रद्धा भाव, भारत माता का भाव नहीं रखते। भारत की संस्कृति के प्रति अनुरागी भाव उनमें नहीं है। वो भारत की संस्कृति को, भारत की परंपरा को, भारत के ज्ञान को, भारत की प्रज्ञा को, भारत के तत्व ज्ञान को, मुझे ऐसा लगता है कि हे दृष्टि से देखते हैं। मैंने जो मार्क्सवादी मित्र हैं वो अपने ढंग से चीज़ों की व्याख्या करते हैं, और किसी व्याख्या को अपने विचार के लिए फिट करना, किसी तथ्य को अपने विचार के अनुरूप गढ़ना, तो हम समझते हैं कि ये बेईमानी है। तो अवसरवादिता तो वहाँ पर भी है कि अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो अपनी विचारधारा को एक तरफ रख के ही बने थे, उस समय तो भाजपा भी तो तटस्थ नहीं रह पाई। भारतीय जनता पार्टी में इस विषय पर विचार हुआ कि देश की राजनीति गठबंधन काल में पहुंच गई। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इस बात को बार बार बताया कि देश की राजनीति संक्रमण काल में है, अकेले कोई दल सरकार नहीं बना पाता, इसलिए भिन्न भिन्न दलों को राष्ट्र के हित में अपने अपने कुछ मुद्दे स्थगित कर और सर्वानुमति से देश को चलाने का प्रयत्न करना चाहिए। तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी और उसके पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके व्यक्तित्वों पर बहस हो सकती है, बहस की गुंजाइश है, प्रत्येक राजनेता के व्यक्तित्व पर, कृतित्व पर बहस होनी चाहिए, लेकिन दोनों ने देश को सर्वानुमति के आधार पर चलाने का प्रयास किया। जी, अच्छा एक बात और बताएं, जैसे अयोध्या प्रकरण था तो आपको नहीं लगता कि जिस जोश के साथ भाजपा ने शुरुआत की थी वह नरम पड़ गया है जोश? आम जनता में तो नरम पड़ा है, हम इसको स्वीकार करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या आंदोलन का समर्थन किया था। अयोध्या आंदोलन मूल रूप में दूसरे संगठनों का था, तो वो आम जनता में निश्चित रूप से वैसा ज्वार नहीं है। आम जनता की खास तौर से जो हिंदू जनमानस है उसकी अपेक्षाएं थी कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री आडवाणी जी जब भारत की सत्ता में होंगे तो इस सवाल पर कुछ करेंगे। आंदोलन इसी सवाल को लेकर हुआ था,
लेकिन गठबंधन के कारण भिन्न भिन्न दलों से ऐसे समझौते हुए थे कि इस सवाल पर बातचीत होगी, बातचीत के आधार पर ही या न्यायालय के आधार पर ही कुछ होगा। तो लोगों को लगा, जैसा पहले आपने कहा, लोगों को लगा कि ये राम मंदिर और भिन्न भिन्न मुद्दों को छोड़कर सरकार चला रहे हैं और अब राम मंदिर का मामला ये पूरी तरह से छोड़ दिए हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं, मैंने यहाँ उत्तर प्रदेश में दिल्ली से हमारे सभी नेताओं ने कहा कि राम मंदिर हमारे लिए केवल मंदिर नहीं, केवल भौतिक वस्तु नहीं है, ये भारत का सांस्कृतिक राष्ट्रभाव, उसकी अभिव्यक्ति है। और हमारा व्यक्तिगत भी मानना है कि राम मंदिर, हम उसकी मांग कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग, संघ के लोग मांग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी मांग करती, इसलिए सांस्कृतिक राष्ट्रभाव की देश की पहचान है, इसीलिए नहीं, बाबर ने तोड़ा ही इसीलिए था। इस्लामी हमलावरों ने भारत के मंदिर तोड़े, हजारों मंदिर तोड़े, तो तोड़े ही इसीलिए थे कि भारत की पहचान अब इस अभिव्यक्त होती है इससे। तो भारत के लोगों को मंदिर न दिखाई पड़े कहीं। जी, मैं एक लेखक के रूप में आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या यह भाजपा लोगों को बरगला नहीं रही है? अगर देखिए कि दो शांति दूतों के बारे में बात हो रही है, राम और मोहम्मद साहब, अगर राम और मोहम्मद साहब दोनों लोगों को अयोध्या में बुला दिया जाए तो वे कैसे हल करेंगे उस मसले का? कहेंगे राम की मोहम्मद साहब आप अपना वो अपनी मस्जिद बना लीजिए, मोहम्मद साहब कहेंगे अरे नहीं जनाब आप अपना मंदिर बनवा लीजिए। तो क्या आपको लगता है कि इस पर लोगों को मोहरा बना करके भाजपा एक चाल चल रही थी और लोग अब समझ गए हैं? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये कहेंगे जी, जैसा और उन्होंने कई अवसरों पर कहा कि जहाँ कहीं इस प्रकार के विवाद हैं वहाँ पर मस्जिद नहीं हो सकती। हाँ, वो यही कहेंगे जी, वो यही कहेंगे। और मुझे लगता है कि जिस तरह से रूस में, चीन में तमाम मस्जिदें हटा दी गई थी देश के खातिर, क्योंकि रूस की अपनी धरती है, अपनी परंपरा है, अपनी संस्कृति है जी, और चीन की अपनी, तो उन लोगों ने इस तरह के, ये तो हमने तमाम उन्हीं की पुस्तकों में पढ़ा है, मार्क्सवादी किताबों में ही, कि जिस तरह हटा दी गई थी, उस तरह कम से कम यहाँ पर लोक जीवन के जो तीन केंद्र हैं प्रमुख, जैसे वाराणसी, अब हजरत मोहम्मद के प्रति आदर, इसीलिए मैं जैसा उनके यहाँ कहा जाता है मैं हमेशा बोलता हूँ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर उनको बुलाया जाए काशी और कहा जाए देखो कि नीचे का हिस्सा तो दिखाई पड़ता है मंदिर और ऊपर मस्जिद, ये आपके समर्थकों ने कैसे कर दिया? हमारे कई मित्र हैं उन्नाव में, तो जब हमने इस तरह की बातें लिखी काशी के बारे में तो उन्होंने कहा आप ऐसा कहने लगे, क्योंकि मुझसे उनको अपेक्षा नहीं थी कि हम मंदिर की बात करेंगे। और काशी पर हमने लेख लिखा था तो हमने उनसे कहा कि तुम मेरे साथ एक यात्रा पर चलोगे, अगर तुम कह दोगे तो हम मान जाएंगे। अयोध्या में तो स्पष्ट नहीं था, लेकिन काशी वाला तो बड़ा साफ दिखाई पड़ता है ना, और मुझे भी नहीं मालूम, जब मैंने पहली बार काशी का देखा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना, आप तो वहाँ रहते ही देखे होंगे कि एक एक हिस्सा है कि वो दिखाई पड़ता है कि यहाँ तक मंदिर है और उसके एक फिट ऊपर मस्जिद बन गई। क्या इसको ये नहीं मानेंगे आप कि इतिहास की कुछ भूलें हैं? इतिहास कहाँ पर अभिशाप साबित होता है? इतिहास इन्हीं जगहों पर अभिशाप साबित होता है कि पुरानी बातें लोग याद करके लड़ें, पुरानी गौरवपूर्ण बातों को याद करके लोग उत्साहित न होकर के ज़्यादा लड़ने पर ध्यान देते हैं। तो इसे एक इतिहास के अभिशाप के रूप में स्वीकार करके अगर देखा जाए, जैसे अयोध्या प्रकरण है सर, देख लिया जाए कि अयोध्या में जितने फूल माला और इस तरह के व्यवसायी हैं वे मुस्लिम हैं, अधिकांशतः उनका व्यावसायिक लगाव है, वे चाहेंगे कि वहाँ अच्छा मंदिर हो ताकि उनका व्यवसाय बढ़े, लेकिन इसके निपटारे के लिए उग्र दृष्टि या जन भावनाओं को भड़काना जरूरी है। आपका प्रश्न और कल्पना बड़ी प्यारी है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अगर अयोध्या में इकट्ठा हो जाएं और दोनों आमने सामने बात करें, दोनों की बातचीत हो, तो आपका, आपकी कल्पना ये है कि राम उनसे कहेंगे कि आप मस्जिद बना लीजिए और वो उनसे कहेंगे कि नहीं? कहने का मतलब कि उदार दो नेतृत्वकर्ताओं, दो पंथियों को यहाँ विवाद में उलझाया गया है। पवित्र कुरान का हमने अध्ययन किया और पवित्र कुरान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह से ही उतरी है, आसमान से आई और उनके जरिए यहाँ प्रकट हुई है,
तो उसमें तो उन्होंने ये बड़ा साफ साफ कहा, अध्याय दो में कहा, जिसे अलबकरा नाम से कहते हैं, सूरा दो, तो सब जगह यही कहा है कि तुम कभी किसी ऐसे व्यक्ति से दोस्ती न करो। बड़ा साफ बयान है और ऐसा बयान तो दुनिया में कोई दे नहीं पाया। उनकी हम प्रशंसा करेंगे ऐसे बयान की, ऐसी पवित्र किताब की, श्रद्धा करते हैं, आदर करते हैं कुरान का। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि तुम किसी ऐसे व्यक्ति से दोस्ती न करो जो ईमान न लाया हो। तो राम तो ईमान लाए नहीं, दोस्ती कैसे होगी। तुम इनकार करने वालों से कह दो जो ईमान लाने से इनकार कर दें कि तुमको तबाही है, तुम जन्नत की आग में रहोगे, परमात्मा ने वहाँ आग सुलगा रखी है और तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। और ये मैं क्रमशः बोल रहा हूँ, कुरान शरीफ की आयतें, और आप चाहें तो हम अभी यहीं पर, हमारे पास कुरान रखी है, आप हमारे घर पर हैं तो हम दिखा भी सकते हैं कि उसमें पवित्र कुरान में ऐसी ऐसी बातें कही गई। तो मेरा ख्याल अगर वो मिलते तो पहली बात तो मिलते नहीं वो, और अगर वो मिलते तो ये जो मोहम्मद आजम खां हैं और ये जो हमारे देश के कुरान को गलत ढंग से पेश करने वाले लोग हैं, ये लोग बड़ा ऊंचा आंदोलन मचाते, शोर मचाते, और हो सकता है कि एक बड़ा भारी युद्ध छेड़ने की बात करते। और हिंदू जनमानस राम द्वारा कहे गए वाक्यों का विश्लेषण करता। कुछ लोग कहते हैं कि ये तो सांप्रदायिक है राम, क्योंकि किसी भी मुसलमान ने इस दुनिया में आज तक किसी भी मुस्लिम कट्टरपंथी को सांप्रदायिक नहीं कहा, और मैं तरसता रह गया कि कोई एक बड़ा मुसलमान, बड़ा जो किसी देश में बड़े पैमाने पर चर्चित हो, और इस तरह के मुसलमानों को जो कट्टरपंथी हैं, सब नहीं, बाकी सब लोग तो हमारे आपके मित्र हैं, तो उनको कहता कि आप ये सांप्रदायिकता है, ये घोर अलगाववाद है, नहीं कहा। लेकिन राम के व्यक्तित्व में भी सामंतवाद निकालने वाले, और राम तो उस कालखंड में पैदा हुए थे, काहे निकालें हम। और अकबर द्वारा, अकबर तो मुसलमान था और ठीक ठाक मुसलमान था, और अकबर द्वारा किए जा रहे कुछ शोधपूर्ण प्रयत्नों और हिंदू समाज को भी इस देश की उस समय की कट्टरपंथी भावना से अलग हटाकर जोड़ने, हिंदू मुसलमान के साथ एका बैठाने का प्रयास अकबर ने किया, और जौनपुर के मौलवी ने उसके खिलाफ फतवा दे दी, ये तो मुसलमान है नहीं। जी दीक्षित जी, इस पर हम विस्तार से फिर कभी बात करेंगे। आप आईटीवी के दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सत्य को बहुत नीचे तक पहुँचा रहा है, और ये नया चैनल है, बहुत शुभकामनाएँ इसको, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ। और हमारी आपने व्यक्तिगत कुछ बातें हमसे पूछी, मैं साधारण विनम्र कार्यकर्ता हूँ और मुझे लगता है कि इस चैनल से लोगों को लाभ उठाना चाहिए। चैनल नया है, इसके सभी सहकर्मी, संपादक, इससे जुड़े सभी पत्रकार, उनके प्रति हमारी हार्दिक शुभकामनाएं, वो अपने यशस्वी हों, बड़े बने। जी बहुत बहुत धन्यवाद।